I gave you my heart. हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में यह हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला कर चुके हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो सेशंस पसंद आ रहे हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम इस सीरीज के अंतर्गत अन्य 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, पहला ऑप्शन है आपके सामने, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। तीसरा है आपका, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और फोर्थ है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्याएं देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें आपका फोर्थ पॉइंट सही होगा। हम प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे, जो आपके ऑप्शन होंगे सिर्फ उस पर हम आपको सही आंसर बताएंगे। इसका यह आंसर सही है। आप जब वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको प्रश्न और उसका उत्तर समझ में आ जाएगा। तो पहले का आपका ऑप्शन होगा फोर्थ, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है, यानी आपका प्राथमिक विद्यालय कक्षा कक्ष में और सक्रिय बद्धता क्या होती है। पहला है याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। दूसरा है शिक्षक का अनुकरण करना और नकल करना। तीसरा है आपका जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना। फोर्थ है शिक्षक द्वारा किए गए उत्तरों की नकल करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, कक्षा में जांच पड़ताल करना, उनसे प्रश्न पूछना और वाद विवाद के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, यानी तीसरा वाला सही है, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से या पुरस्कार के लिए। यानी जो सृजनशील बच्चा होता है वह अब किसी गतिविधि में भाग कब लेते हैं, यानी शिक्षक डांटता है तब भाग लेते हैं, या दूसरे के सामने अपना अच्छा करने के दबाव में, अपनी रुचि से या पुरस्कार के लिए। तो आपका एक जो सृजनशील बच्चा होता है वह गतिविधि में अपनी रुचि से भाग लेता है। ऑप्शन तीसरा आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में अधिकांश समस्याएं कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक के द्वारा देखा जाना चाहिए। यानी भारत में जो अधिकांश कक्षाएं होती हैं वह बहुभाषी होती हैं, तो इसको एक शिक्षक के रूप में किस प्रकार से लेना चाहिए, परेशानी, दूसरा ऑप्शन है समस्या, संसाधन, या फोर्थ ऑप्शन है आपका बाधा। तो जो बहुभाषा बहुभाषिकता जो होती है वह एक संसाधन के रूप में होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो एक शिक्षक को इसे संसाधन के रूप में देखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। और फोर्थ है आपका, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो जो शिक्षार्थियों द्वारा जो गलतियां और त्रुटियां की जाती हैं उनको उनके चिंतन के समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन तीसरा जो है वह इसका उत्तर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। की विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे
वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यानी किस विद्वान ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वह सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और वह अपने संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यह आपका पियाजे द्वारा कहा गया कथन है। पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा होता है वह अपने आसपास स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है और वह नन्हा वैज्ञानिक है और खुद संसार में रहकर वह अपने सिद्धांतों की रचना करता है। पियाजे द्वारा कहा गया सिक्स्थ का फोर ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है ऑप्शन ए बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ऑप्शन बी बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, तीसरा है आपका बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को महत्वपूर्ण स्वतंत्रता देना। यानी बाल केंद्र शिक्षा का क्या अर्थ है? तो बाल केंद्र शिक्षा जो होती है बच्चों को उनकी अभिव्यक्ति के अनुसार और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ऑप्शन तीसरा आपका इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, ऑप्शन है आपके सामने प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, यानी प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और जो पहले कार्य करे उसको पुरस्कार देकर, दूसरा ऑप्शन है कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, फोर्थ है तीसरा है उसका ऑप्शन उस पर एक भाषण देकर, चौथा ऑप्शन है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही उत्तर होगा कि जो कोई जटिल परिस्थिति आ गई है उसको हम पहले छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे और लिखित में उसको निर्देश दे देंगे जिससे कि वह समस्या का समाधान या जटिल जो परिस्थिति उसके सामने आई है वह उसे कर सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, यह पहला ऑप्शन है इसमें आपका अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, दूसरा ऑप्शन है एक प्रभावी आकलन युक्ति है, तीसरा है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, फोर्थ है आपका अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो आप प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़िए। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप से उन्होंने ग्रहण किया है, क्या यह सही है? नहीं, क्योंकि यह तो समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, तीसरा उत्तर इसका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र जो होता है वो बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है या समान रहता है। यानी बच्चा जब शिक्षार्थी कोई होता है तो उसको समूह में सीखने के लिए चर्चा का अवसर प्रदान किया जाता है तो जो सीखने का वक्र होता है वह क्या होता है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश का अनुगमन करती है, ऑप्शन पहला है आपका एड़ी से चोटी, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने अव्यवस्थित, तीसरा है अप्रत्याशित और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो जो विकास की गति होती है वह व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होती है लेकिन यह जो होती है यह आपकी क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है, ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, यानी आपके चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा विकास के लिए एक उपयुक्त है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, विकास एक एकल आयामी है, विकास पृथक होता है।
तो दोबारा से देखिए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। यह बिल्कुल ही गलत कथन है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, और विकास एकल आयामी है, यह भी आपका विकल्प गलत है, और विकास पृथक होता है, यह भी आपका गलत है। तो इसमें आपका जो सही पॉइंट बचता है वह है आपका उचित जो उत्तर है इसका, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनुन क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति और को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो जो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है उसका सबसे प्रमुख कारण आपका वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अनुन क्रिया यानी इंट्रेक्शन होता है, इन दोनों की क्रिया के कारण एक व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। हम वंशानुक्रम एवं वातावरण पर एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो से हल हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, गौण। जो आपका परिवार होता है वह परिवार बच्चे के समाजीकरण में किस प्रकार की भूमिका निभाता है? तो जो बच्चे का परिवार होता है वह आपका समाजीकरण में महत्वपूर्ण और मुख्य भूमिका निभाता है, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन, उनके सामने मैचिंग्स दी गई हैं, उनमें से आपको सही विकल्प को चुनना है। तो जो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण योग्य होता है, संधारण एवं वर्गीकरण योग्य। नेक्स्ट है आपका औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल। तीसरा है सहस्वात्मक, सहस्वास्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। तो इसमें आपका जो पॉइंट जो सही मिलान है वह आपका फर्स्ट है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण योग्य बच्चा हो जाता है, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित करती है, प्रतीकात्मक, अहं केंद्रित, कार्य कारण और विपर्य चिंतन। यानी एक बच्ची कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो बच्ची जब देख रही है उसी को तो वह बता रही है, तो यह हमारी कार्य कारण की जो समझ होती है उसको प्रकट या प्रदर्शित कर रही होती है, कार्य कारण, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि उसको जो कपड़ा सुखाने का तरीके का ज्ञान है वह उसकी समझ को प्रदर्शित कर रहा है। 17 ने आपका प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, बजाय की आपके सामने दो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं और दोनों में आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसका ऑप्शन सही है बैठता है। तो पहला ऑप्शन है मात्रा और प्रकार, दूसरा है आकार और मूर्त परकता, तीसरा है प्रकार और मात्रा, आकार और किस्म आपका फोर्थ है। तो इसमें आपका प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, यानी वह कई प्रकार का होता है, किसकी मात्रा बजाय मात्रा में। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो चिंतन होता है वयस्कों से वह प्रकार में भिन्न होता है, किसकी मात्रा में बजाय मात्रा के, उनमें मात्रा के बजाय मात्रा कम बढ़ती हो सकती है लेकिन प्रकार में वह भिन्न होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, आधारभूत सहायता देने का उदाहरण पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है अनुबोधन और संकेत देना, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना।
तीसरा है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। फोर्थ है आपको मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो जो आधारभूत सहायता का उदाहरण है वह है आपका अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना। पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, यानी आपके सामने चार ऑप्शन है उनमें से आपको बताना है कि वायगोत्स्की द्वारा बच्चे कैसे सीखते हैं। जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होने से, अनुकरण से, या आपका वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो जो वायगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चे जो सीखते हैं वह वयस्कों और समवयस्कों के साथ जो परस्पर क्रिया करते हैं उनके द्वारा बच्चे सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग द्वारा जो दिया गया है वह आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा, नैतिक विकास के चरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? पहला ऑप्शन है आपके सामने एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तीसरा है आपका एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। फोर्थ है आपका एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो जो एक आपकी बाल केंद्रित शिक्षा होगी वह आपकी ऑप्शन सी के हिसाब से, जिसे देखिए एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और जो शिक्षिका है वह प्रत्येक समूह से बारी बारी से प्रत्येक समूह के पास जा रही है। तो इसके इसका आपका ऑप्शन सी यानी तीसरा उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे पूछा गया कि बुद्धि क्या है, यानी सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जाति विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, या फिर एक विशिष्ट योग्यता। तो जो आपकी बुद्धि है वह है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, यानी जो बुद्धि होती है वह आपके कई फैक्टर से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कम महत्वपूर्ण। नेक्स्ट ऑप्शन है अहम महत्वपूर्ण। तीसरा ऑप्शन है अति संवेदनशील और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने निरपेक्ष। तो इसमें पूछा विकास भाषा विकास के लिए प्रारंभिक जो काल होता है वो किस प्रकार से होता है, कम महत्वपूर्ण होता है, अहम होता है, अहम महत्वपूर्ण, या अति संवेदनशील होता है, या निरपेक्ष होता है। तो जो प्रारंभिक बचपन काल जो होता है, क्योंकि बच्चे का निर्माण काल भी कहा जाता है उसे, उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है, तो इस अवस्था में हम उसे जो भाषा विकास के लिए हम उसे अति संवेदनशील काल मानते हैं। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी जातीय भेद का परिचायक है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, लड़के लड़कियों के भेदभाव की रूढ़बद्ध धारणा प्रकट करती है, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो यह इस प्रकार का विचार आपका लड़के लड़कियों के बीच में भेदभाव की रूढ़बद्ध धारणा को प्रकट करती है। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकलन क्या होता है? बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति होती है, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, या सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो आकलन क्या है? तो जो आकलन है, देखिए आपके बच्चों को लेबल करने में और वर्गीकृत करने में अच्छी रणनीति है, ये कहीं तक ठीक है, लेकिन यह पूरा उत्तर सही नहीं है। सिर्फ आकलन का इतना ही अर्थ नहीं होता। दूसरा ऑप्शन देखिए बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना सक्रिय रूप से बढ़ाना, यह भी ऑप्शन ठीक नहीं है।
तीसरा कहता है आपको बच्चे को सीखने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, यह तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाता है। जबकि आकरण का जो एक आपका सही अर्थ होता है वह सीखने में सुधार का एक तरीका होता है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा। और जो आपकी एनसीएफ 2005 है जो वह आपके सीखने में आकरण को एक सीखने में सुधार का तरीका बताता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते। तीसरा, यह एक दर्शन है कि बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है आपका, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो यहां बात चल रही है आपकी समावेशन की, और समावेशन में आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर सही होता है कि यह एक दर्शन है जिसमें सभी बच्चों को नियमित जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंतर्गत उनको शिक्षा लेने का अधिकार है। यानी यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में प्रणाली में शासन शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तीसरा है, उन्हें कक्षा में अलग बिठाए। फोर्थ है आपका, उन पर ध्यान दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतर्क्रिया नहीं कर सकते। तो इसमें जो वंचित वर्ग यानी पिछड़े वर्ग का एक बच्चा है जिसकी पृष्ठभूमि पिछड़े वर्ग से है, तो वह एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रदान करने के लिए एक शिक्षक को किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए? तो ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा कि उसके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का, जो बच्चा है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी का जुटाने का प्रयास करे और कक्षा में होने वाली चर्चा में उसे शामिल करे। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरयोग्यता पहचान करता है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा व्यवहार है जो बच्चा अधिगम निरयोग्यता को दर्शाता है? तो मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, यानी जो उसका दिमाग है वह झूलता रहता है, उसे पता ही नहीं कि किधर जाना है। दूसरा है अपमानजनक व्यवहार। तीसरा है बी को डी, वाज को सो और 21 को 12 लिखना। फोर्थ है आपका कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो इसमें जो अधिगम निरोग्यता की जो पहचान करता है वह आपका मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह किसी काम में नहीं आएगी, उसे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। यानी एक बच्चा है जिसे थोड़ा कम दिखाई देता है, आंशिक रूप से देखने में समर्थ है, तो उसको हम किस प्रकार से शिक्षा देंगे? बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालेंगे, या उसे शिक्षा ही नहीं देंगे क्योंकि उसके किसी काम में ही नहीं आएगी, या उसे किसी अलग से संस्थान में डालेंगे। लेकिन वर्तमान में जो आपको समावेशी शिक्षा का प्रावधान है, तो हम उस बच्चे को उसी जो नियमित विद्यालय चल रही है उसी में विशेष प्रावधान करते हुए उसी विद्यालय में हम रखेंगे। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आज का अंतिम प्रश्न, सीखना सीखने वाले संवेगों को प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट है आपका, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, और फोर्थ है सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है। यानी आपका सीखना जो है वह संवेगों से किस प्रकार से संबंधित है? तो जो सीखना होता है वह सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा। My heart.